मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है लता मंगेशकर जी का। उनके पिताजी के नाम पर जो दीनानाथ मंगेशकर समिति है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर समिति, उसके द्वारा प्रदत्त वाग वा विलासनी पुरस्कार मुझे दिया गया है 1,01,001 का। लता मंगेशकर जी ने स्वयं मुझे फोन करके इस बात की सूचना दी थी। आज ये कार्यक्रम बम्बई में होना था, लेकिन कोरोना काल होने से ना तो बम्बई में हो पा रहा है ना कहीं, और यहाँ दिल्ली में भी लॉकडाउन है, मैं भी कहीं बाहर आ जा नहीं रहा हूँ, घर पर ही हूँ। लेकिन उनकी तरफ से आज्ञा हो गई है कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे वाग विलासनी पुरस्कार दिया गया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर समिति की ओर से। लता मंगेशकर जी का मेरे पर ये असीम अनुराग है, जो प्रारंभ से रहा है, जब से मैं फिल्म लाइन में गया था, पहले ही गीत से वो मैं उन्होंने स्वर दिया था, पूर्वा सुहानी आई है, उसके बाद में एक प्यार का नगमा, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद भी 2-3 बार सुना, और सुनने के बाद सारे म्यूजिशियन चुपचाप बैठे रहे। जब लता जी ने ओके कर दिया तो सारे म्यूजिशियन खड़े हो गए, और पता नहीं कितनी देर तक वो क्लैपिंग तालियां बजाते रहे। वैसा दृश्य फिर मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद में जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ये रिकॉर्ड हो रहा था, तो उस रिकॉर्डिंग में जोशा साहब भी आए थे, हेमंत कुमार भी आए थे, और भी बहुत सारे आए थे, एक क्रिकेट टीम भी आई थी। तो मुझे आज वो क्षण याद आ जाते हैं। तो बाहर आके म्यूजिशियंस के साथ लता मंगेशकर जी रिहर्सल कर रही थी, तो उसमें डैश कॉमा फुल स्टॉप क्या क्या मैं देखता रहा था, मुझे सीखने की आदत है, आज भी मैं शिक्षार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, जहाँ से कुछ मिलता है वो ले लेता हूँ। यह कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है तो लता जी हैं, उनका मैंने परफेक्शन देखा है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनका बड़ा अनुराग रहा, सड़ा इसलिए रहा है मुझ पर। तो वो जब ये लाइनें आईं, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर बौज पर आसमानों का पहरा नहीं, टूट जाएगी हर हथकड़ी, तो धीरे से लता जी ने मेरी तरफ एक दृष्टि भर डाली होगी और बोली कि राइटिंग तो इसे कहते हैं, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों में मुझे गाइड भी किया है, कभी कभी शब्दों को भी वो स्वयं भी ठीक कर देती थी। तो आज मुझे ये मिला है, ये पुरस्कार नहीं है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अपने मित्रों को भी बोल सकते हैं कि संतोष आनंद को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया, मैं भूल गया ये फिल्म फेयर अवार्ड और जो भी मिले, यश भारती भी मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट दुबई में मिला, पता नहीं कितने हैं, घर में अगर आप लगाओ तो लाइनें लग जाएंगी, लेकिन मुझे इससे बड़ा पुरस्कार और इससे बड़ी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जय हिंद, जय भारत।